पाकिस्तान में वजीर आजम बनने वाला कोई भी शख्स अब तक अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम खान लियाकत अली खान 16 अक्टूबर सन 1951 के दिन लियाकत बाग रावलपिंडी के एक जलसे में गोली का निशाना बन गए। वो कुल 4 साल 2 माह तक अपने ओहदे पर फायज रहे। अगरचे वो एक मुंतखब वजीर आजम नहीं थे, लेकिन उन्हें इस ओहदे पर 5 साल मुकम्मल करने में अभी 10 महीने बाकी थे। इस वाक़े के वक्त ख्वाजा नाजिमुद्दीन मुल्क के गवर्नर जनरल थे। उन्हें वजीर आजम के ओहदे पर फायज कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 1.5 साल बाद ही उनको घर भेज दिया गया। इसके बाद एक डिप्लोमेट मोहम्मद अली बोगरा 2 साल 4 महीने और सीनियर ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली 1 साल 1 माह तक वजीर आजम रहे। इसके बाद अवामी लीग के हुसैन शहीद सहरवर्दी इस ओहदे पर फायज हुए। वो पहले वजीर आजम थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नहीं था। सहरवर्दी को सिर्फ 1 साल 35 दिन के बाद इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर के लिए ये सीट खाली करना पड़ी। चुंद्रीगर कायद आजम के करीबी साथियों में शुमार होते थे। वो इससे पहले मुल्क के 2 सूबों के गवर्नर भी रह चुके थे, लेकिन वजीर आजम बने तो सिर्फ 2 माह बाद इस ओहदे से हटा दिए गए। अगले वजीर आजम फिरोज खान नून को ओहदा संभाले। अभी 10 माह पूरे नहीं हुए थे कि जनरल अयूब खान ने अक्टूबर 1958 में मुल्क का पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 1970 में इलेक्शंस के बाद सदर जनरल यहिया खान ने साबिका ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नूरुल अमीन को वजीर आजम बना दिया, लेकिन सिर्फ 2 ही हफ्तों के बाद जुल्फकार अली भुट्टो सदर और नूरुल अमीन नायब सदर बना दिए गए। 1973 में मुल्क के पहले मुकम्मल आइन के निफास के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत कायम हुई और जुल्फकार अली भुट्टो सदर से वजीर आजम बन गए। लेकिन सन 1977 में कबल अज़ वक्त इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम और फिर सियासी हंगामा आराई के सबब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, लिहाजा पाकिस्तान का पहला मुंतखब और मकबूल सियासतदान भी 5 साल का माइलस्टोन मुकम्मल नहीं कर सका। इज्जत मां वजीर आजम पाकिस्तान जनाबे मोहम्मद खान जुनेजो। 1985 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कराए गए और मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हुए। लेकिन कामयाबी से हुकूमत चलाने वाले इस लीडर को 3 साल और 2 महीने के बाद बरतरफ कर दिया गया। दिसंबर 1988 से अक्टूबर 1999 तक पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो और मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ ने 2 बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली, लेकिन किसी न किसी वजह से ये दोनों कभी 5 साल की मुद्दत पूरी ना कर सके। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ से जमहूरियत एक बार फिर डीरेल हो गई और साल 2002 में इलेक्शंस के बाद जनरल मुशर्रफ की हिमायत याफ्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत बनाई। इस हुकूमत ने तो 5 साल मुकम्मल कर लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पहले जफरुल्ला खान जमाली से चौधरी शुजात और फिर चौधरी शुजात से शौकत अजीज को मुंतकिल हो गई। 2007 के इलेक्शंस के बाद कायम होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए, लेकिन वजीर आजम बनने वाले यूसुफ रजा गिलानी को 4 साल 86 दिन के बाद ये सीट राजा परवेज अशरफ के लिए खाली करना पड़ी। 2013 के इलेक्शंस में मुंतखब होने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी 5 साल तो पूरे किए, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ को 4 साल 2 माह बाद ये ओहदा छोड़ना पड़ा। नए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कोई 10 माह तक मुल्क के वजीर आजम रहे। मैं शाहिद खाकान अब्बासी। अब इमरान खान 3 साल और तकरीबन 7 माह से मुल्क के वजीर आजम हैं, लेकिन वो इस ओहदे पर कब तक फायज रहेंगे? पिछले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स की तरह शायद ये बात खुद उन्हें भी मालूम नहीं है।